ये है बालाजी मंदिर। अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो रही है। ये रहा मसूरी का पहला नजारा। मेरी हालत खराब है। कितनी मस्त लोकेशन है यार ये, यहाँ पर आखिरकार कंपनी गार्डन आई। राफ्टिंग का मजा भी ले सकते हैं। ये वाटरफॉल भी बंद है यार। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम जाने के लिए रेडी हो गए। टाइम हो गया 6:20। तो अभी हम हैं झाझरा में। यहाँ से बस पकड़ेंगे, सीधे जाएंगे स्टेशन। वहाँ से हमें मसूरी के लिए बस मिलेगी। वहाँ से 35 किलोमीटर मसूरी पड़ता है, जो कि रूट होगा रायगढ़ होके। चलो इससे मिलते हैं। तभी क्योंकि इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है, इसीलिए सूरज निकला नहीं है। और ये सामने बालाजी मंदिर है, ये बहुत फेमस है। ये है बालाजी मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ से भगवान का आशीर्वाद लेके अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। आपको अंदर दिखाते हैं। जब तक बजरंग बली का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, काफ़ी मान्यता है इसकी यहाँ। चलिए अब यहाँ तो हमें निकलना है, शाम को विजिट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ हमने फोटोग्राफ क्लिक किए थे और हमने आशीर्वाद ले लिया है। अब चलते हैं बस की तलाश में। बस अभी आने वाली होगी, फिर यहाँ से बस पकड़ के सीधे स्टेशन जाएंगे। वाह, सामने का नज़ारा देखो, क्या मस्त नज़ारा है। अच्छी खासी मॉर्निंग वॉक हो रही है, सामने सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी बस नहीं मिली है, बस हमारे पीछे से ही आएगी। जहाँ भी आएगी हम वहीं पकड़ेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं नंदा की चौकी पे। यहाँ भी यहीं मेरी सिस्टर का कॉलेज है, सुवार्थ यूनिवर्सिटी। और अभी हम जस्ट हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के सामने। इस सामने देख पा रहे हैं आप उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। और अभी हमारे सामने है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जहाँ कैडेट्स वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह होती है देहरादून में। ये रहा सामने इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो अभी हम गुजर रहे हैं जस्ट FRI के सामने से। वो सामने देख सकते हैं आप FRI, यहाँ पर शूटिंग हुई थी। तो अभी घंटाघर उतरा हूँ मैं, सामने देख सकते हैं घंटाघर। और अभी यहाँ से जाएंगे स्टेशन। स्टेशन के लिए ऑटो आगे से मिलेगा, चौक, कौन सा चौक है, प्रिंस चौक। प्रिंस चौक से हमें ऑटो मिलेगा। तो अभी मैं स्टेशन के बाहर मसूरी स्टैंड पे हूँ, बस स्टैंड पे। यहाँ से बस हर 20 मिनट में होती है। अभी जो बस थी वो भर गई पूरी, 4-5 लोगों ने 10-10, 15-15 टिकट लिए, वो पूरी बस फुल होकर चली गई। अब नेक्स्ट बस अभी आने वाली है 15 मिनट में, 8 बजे है। देखते हैं उसके टिकट अगर मिल गए तो हम उसमें बैठ के जाएंगे। और यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर है और टाइम लगेगा लगभग 1.5 घंटा। तो फाइनली बस तो मिल गई है, बस में बैठा हूँ और हम बहुत आगे आ चुके हैं अभी। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा देहरादून दिख रहा है, पूरा का पूरा शहर दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ बैंड है एक। और सामने यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा मसूरी हिल स्टेशन दिख रहा है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, वो देखिए पूरा का पूरा शहर कितना प्यारा लग रहा है। चलिए वहीं पर चल रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको। अब ये बस से उतरे, टाइम हो गया 10, 1 घंटा 15 मिनट लग गए यहाँ आने में। अभी मेरी हालत खराब है, चक्कर जैसा आ रहा है। तो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, खाके नहीं आई थी रजनी। तो 30 रुपये का एक पराठा, ये पराठा भैया के गुरुद्वारे के सामने दुकान है, बस स्टैंड के पास। चलो खाके मिलते हैं। वेलकम बैक गाइस। तो अभी मेरा मूड थोड़ा ठीक हुआ है, चक्कर बहुत ज़्यादा आ गए थे। पराठा खाया हमने, पराठा खा के हमने व्यूज देखा थोड़ा। बाकी हम जा रहे हैं कंपनी गार्डन और ये रोड का व्यू है। पीछे जाम बहुत था, आपको बैक कैमरे से यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ। सामने आप देख सकते हैं बर्फ के पहाड़ है। से 50 पर हेड में काफी सारे चीजें दिखाएंगे, हॉन्टेड हाउस वगैरह। पार्किंग लग रही है, नजारे काफी सुंदर है। वो सामने स्नो माउंटेन हिमालय की चक्राता, वो दूर वो है स्नो माउंटेन्स। कार पार्किंग है, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर भी कार पार्किंग है।
आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ जो इस पर नजर पड़ी है। सामने वो देखिए, वो दूर आप देख पा रहे होंगे बाप से नदी में साले, तो चक्राता साइड में जा रहा है। वाओ कितना अमेजिंग लग रहा है। काफी देर से चल रहे हैं हम लोग, अब 0 पॉइंट पे पहुंचे हैं। पीछे 0 पॉइंट का बोर्ड लगा है। सामने नजारा देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत ही सुंदर नजारा है। ये कंपनी गार्डन वाले रास्ते में पड़ता है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। बीस पच्चीस मिनट चलने के बाद आ गया कंपनी गार्डन। ये रहा कंपनी गार्डन मसूरी का। यहाँ ढाबे वगैरह है, पार्किंग एरिया ये है। कंपनी गार्डन में एंट्री का प्राइस है 25 रुपए। पीछे साइड टिकट काउंटर है और यहाँ से एंट्री होती है सामने से इस चैनल। चलो चलते हैं अंदर दिखाते हैं कंपनी गार्डन मार्केट। बहुत सारी दुकानें हैं खरीदारी की। सुंदर है। वाओ हंटेड हाउस। इधर काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इधर लेवेंडी सिनेमा, वहाँ फोटो सर्विस, फोटो वगैरह के लिए कपड़े लेके आप फोटो खिंचा सकते हैं। तो यह कंपनी गार्डन फुलवारी वगैरह के लिए काफी फेमस है, काफी अच्छे अच्छे फूल हैं। और यहाँ ये नर्सरी है और इधर ही फुलवारी, यहाँ भी काफी सारे फूल हैं। वहाँ किसी भी पेड़ को टच करना मना है, वो यहाँ पर पैरदार वगैरह लगे हैं। और यहाँ देखिए एक कार को कितना अच्छे से इस्तेमाल किया है, वाह क्या बात है। फुलवारी के अलावा कुछ और ज्यादा खास नहीं है दिखाने के लिए, इसलिए आपको दिखाया नहीं मैंने। बस हर जगह फुलवारी फुलवारी है। यहाँ सामने एक वाटरफॉल है, फिलहाल बंद है अभी, चालू नहीं है। और इधर देखिए पानी भरा है इसमें, कुआं टाइप का है कुछ। ये रहा वाटरफॉल, भाई चलता तो बहुत सुंदर लगता है ये, लेकिन अभी बंद कर रखा है। यहाँ पे बोटिंग हो रही है। बोटिंग का मजा भी ले सकते हैं, बट प्राइस कोई आइडिया नहीं है, महंगा ही होगा। ये अंदर साइड पे है ना हिल स्टेशन का बोटिंग एरिया, तो काफी महंगा ही होगा मेरे हिसाब से। टॉय ट्रेन खाने पीने का एरिया, ये नौ वाला झूला, हम इसे बेले मौत खाते थे। तो चलो फूड कोर्ट अंदर दिखा देंगे ऐसे। फूड कोर्ट काफी अच्छा है, चलो चलते हैं। भूख लगी है, टाइम हो गया 12। हम घर से पैक करके लाए थे तहरी और ये लोग भी खा रहे हैं। चलो खाते हैं फिर मिलते हैं।
तो कंपनी गार्डन से निकल आए, अभी वापस जा रहे हैं हम बस स्टैंड साइड। धूप बहुत ज्यादा तेज है, सूरज मेरे जस्ट पीछे है, इसलिए चेहरा अच्छे से नहीं आ रहा है। तो रास्ता वही है सेम टू सेम जो आपको सुबह दिखाया था, तो दिखाने का कोई फायदा नहीं है। अब मिलते हैं बस स्टैंड चल के, रास्ते में कुछ अगर इंटरेस्टिंग मिला तो दिखाऊंगा आपको। आप लोग को सब दिखाएंगे ठीक है।